नगर निगम शिमला द्वारा जल्द ही रिज मैदान स्थित स्टेट लाइब्रेरी की मुरम्मत का कार्य शुरू किया जाएगा। इसके लिए निगम ने 14 लाख रुपए का एस्टीमेट पास किया है। वहीं शिमला के पद्मदेव कॉम्प्लेक्स का भी 1.5 करोड़ रुपए से कायाकल्प किया जाएगा। नगर निगम शिमला की महापौर सत्या कौंडल ने कहा कि स्टेट लाइब्रेरी का भवन महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है, इसे देखते हुए इस भवन की मुरम्मत की जा रही है। शिमला के रिज मैदान स्थित स्टेट लाइब्रेरी भवन की हालत काफी दयनीय है। हाल ही में हुए नगर निगम शिमला के हाउस में इसकी मुरम्मत के लिए 14 लाख रुपए का एस्टीमेट पास किया गया है। जल्द ही इसके लिए टेंडर बुलाए जाएंगे और इसका काम शुरू किया जाएगा। नगर निगम शिमला की महापौर सत्या कौंडल ने कहा कि स्टेट लाइब्रेरी का ये भवन काफी महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत शिमला शहर का कायाकल्प किया जा रहा है, लेकिन स्मार्ट सिटी के बजट में इस भवन के मुरम्मत कार्य के लिए पैसा स्वीकृत नहीं हुआ। सत्या कौंडल ने कहा कि नगर निगम शिमला जल्द ही इसका मुरम्मत कार्य शुरू करेगी और इसके अलावा 1.5 करोड़ रुपए की लागत से पद्मदेव कॉम्प्लेक्स का मुरम्मत कार्य भी जल्द शुरू किया जाएगा। जो ये लाइब्रेरी बिल्डिंग है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है और हेरिटेज बिल्डिंग है। इस पर हमने सोचा था कि स्मार्ट सिटी के तहत हम इसकी जो है रिपेयर मेंटेनेंस करें और इसी आधार पे बननी है जैसे बनी है, लेकिन स्मार्ट सिटी से हमें पैसा नहीं मिल पाया इसमें। तो हमने जो पिछला जो हमारा हाउस हुआ है इस पर हमने जो है 24 लाख की लागत से एक एस्टिमेट पास किया है और इसको हम इसी आधार पर बनाएंगे। जो बिल्डिंग है हेरिटेज बिल्डिंग है और इसमें जब हमारी बिल्डिंग बन जाएगी, अभी मैं आज या कल इसमें जो हमारे एक्शन है और जो हमारे आर्किटेक्ट हैं इनके साथ हम इंस्पेक्शन करेंगे कि ये बिल्डिंग कैसे कैसे बन सकती है और हम जो है तुरंत इसका जो है टेंडर लगाएंगे ताकि ये काम जो है बहुत जल्दी शुरू हो जाए। क्योंकि रिज आपने देखा होगा, रिज मैदान जो है बहुत आकर्षित बन चुका है। यहाँ पे फाउंटेन भी लग चुके हैं और हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी जी की मूर्ति भी यहाँ स्थापित हो चुकी है, तो ये टूरिस्ट के लिए भी बहुत आकर्षित बना हुआ है रिज। और इसके बाद पद्मदेव कॉम्प्लेक्स है, इसको भी हम 1.5 करोड़ की लागत से इसको हम रेनोवेट कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि एक दिन रिज बहुत स्मार्ट हो जाएगा और टूरिस्टों के लिए एक बहुत आकर्षित प्लेस बनेगा। वहीं शिमला में खतरनाक पेड़ों को काटने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में सत्या कौंडल ने कहा कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पहले लोग नगर निगम के कार्यालय के रोजाना चक्कर काटते थे कि पेड़ों से उनके घरों को खतरा है, और जब नगर निगम ने पेड़ों को काटने की अनुमति दी तो लोग पेड़ों को काटने में आने वाले खर्च के चलते इन पेड़ों को नहीं काट रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ पेड़ विभाग ने भी काटने हैं और विभाग को भी इन्हें जल्द काटने के निर्देश दे दिए गए हैं। बड़े दुख की बात है कि हम पहले तो लोग हमारे पास आते हैं, ये डेंजरस पेड़ है, इसको काटो और हमारी बिल्डिंग को खतरा है, लेकिन जब हमने उनको सैंक्शन दी है तो उसके बाद लोग जो है पेड़ काटने से कतराते हैं। क्योंकि एक तो पहले फीस जमा करानी पड़ती है, उसके लोग जो है पैसे खर्च करने से डरते हैं। तो मैं तो लोगों से ये अपील करूंगी, अगर आपको खतरनाक पेड़ लगता है, जैसे आपने प्रयास किए कि जल्दी से जल्दी इसको कैबिनेट में लगाएं, हमारे को सैंक्शन दें, तो आपको जल्दी काट लेना चाहिए। और दूसरी बात, मैंने देखा कि कई पेड़ ऐसे भी है जो विभाग ने काटने हैं। अभी अगर हम बात करें न्यू शिमला की, तो न्यू शिमला में जो बहुत सारी टहनियाँ हैं जो कि बिजली की तारों में आ रही है, तो मैंने कल भी जो हमारे रूरल डिपार्टमेंट के जो DFO है उनको आदेश दिए थे कि आप जल्दी से जल्दी संबंधित विभाग को जो है इसके सैंक्शन लेटर दो ताकि ये जो है पेड़ की टहनियां काट सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।